नर्मदा के तट पर बसे गांव के दो युवाओं ने कठिन परिश्रम और मेहनत से अपनी किस्मत बदली। जो कल तक लोगों के यहां पर नौकरी कर रहे थे, अब वह 200 से अधिक युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अब्दुल शाहिर व सुभाष माली की, जिन्होंने लगातार 6 वर्षों तक टिन इंडस्ट्रीज में कठिन संघर्ष व मेहनत करने के बाद अपने स्वयं की एक फैक्ट्री डाल दी, जिसमें वह अभी 200 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। आगामी वर्षों में उनका लक्ष्य लगभग 3,000 से 4,000 लोगों को रोजगार देने का है। एएस पव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी फैक्ट्री का शुभारंभ किया है। सुभाष माली ने बताया कि बचपन में से ही पिता का साया सर से उठ गया था। माता ने कठिन मेहनत से शिक्षा ग्रहण करवाई। कभी सपना ही नहीं देखा था कि अपने स्वयं की भी कोई इंडस्ट्री होगी, हम अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। सुभाष माली ने चर्चा में बताया कि संघर्ष जितना कठिन होता है, सफलता उतनी ही बड़ी होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में औद्योगिक जगत के कई मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ व अन्य लोग शामिल हुए। आपने जो क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरी माता श्री ने वास्तव में जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसने मुझे मजदूरी करके पढ़ाया, मैं खुद इंदौर आके मजदूरी करके पढ़ा। उसके बाद में मैंने एजुकेशन करी खुद से यहाँ पर इंदौर में, खुद से नौकरी लगा, पहली नौकरी। तो मैं पहली नौकरी लगने के बाद में फिर जो है मैं अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। और मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि भाई मैं एक इंडस्ट्रिस्ट बनूंगा और इस मुकाम पर पहुंचूंगा। हाँ, ये है कि मैं अपने जो भी समाज है और जो भी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको एक वो देना चाहूँगा कि आप उनको एक ये एक संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा हो, अगर वो ज़िंदगी में सही तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, तो डेफिनेटली अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। और जो कि मैंने भी बिलीव नहीं किया था, आज मैं उस चीज़ को मैंने अपनी मेहनत से और हमारे जो पार्टनर हैं साहिल भाई हैं, उनके साथ में मिल के हम दोनों की मेहनत ने आज ये इस मुकाम पर हमको लेके आया है। हमारी फैक्ट्री चालू हुई है और उसने पहले ही, अभी आपके सामने ओपनिंग हुआ है, इसने पहले ही सेशन में करीब एक बड़ा प्रोजेक्ट हायर किया है, जो कि अपने आप में, हाँ, जो भी अपने जो कि अपने आप में एक वो माइल स्टोन है। जो जानकारी मिलेगी आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ में मेरे बुजुर्गों की जो दुआ है, दोस्त भाई और परिवार में जितने भी हैं, छोटे बड़े सब ने जो आशीर्वाद दिया है, उसके कर्म से हम बढ़वा से ही बिलोंग करते हैं। हमारी जर्नी चालू हुई सन 2000 से, सन 2000 में बढ़वा छोड़ के हम लोग पीतमपुर आ गए। पीतमपुर में हमने पहली बार जब काम शुरू किया है मैंने, तो हिंदुस्तान मोटर्स में मैंने एक छोटी सी CNC ऑपरेटर से चालू करा है काम। उसके बाद हम राने का गए, राने का में एक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहाँ पर हमारी सुभाष भाई से मुलाकात हुई। सन 2005 से सुभाष भाई और हम साथ में रहें। फिर मैं स्टील सेगमेंट में आ गया और सुभाष भाई पंप लाइन में गए। उसके बाद हमारी फिर से मुलाकात हुई सन 2016 में, 15-16 में हम फिर से मिले। सब लोग बोले कि यार बाहर बहुत काम कर लिए, आप खुद का कुछ करेंगे। तो सुभाष भाई और हमने 2013 में इस AS इंजीनियरिंग की नींव रखी। पहला काम सुभाष भाई लेके आए जो कि डिजाइन से रिलेटेड था। और उसके बाद 2016 से फिर मेरी एंट्री हुई से इस इंडस्ट्री में, जो कि मैं ये जो स्टील स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं PEB सेगमेंट, PEB स्टील स्ट्रक्चर जो कि इंडस्ट्री में नॉर्मली यूज होता है, वहाँ 2016 से फिर हमने फुल्ली डेडिकेशन के साथ यहाँ काम शुरू करा है। चूँकि सुभाष भाई और मेरे में एक कॉमन चीज़ रही है कि हमारा परिवार बहुत ही डाउन टू अर्थ से चला, उसके साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने जो भी चला, रात दिन रात डे नाइट 360 डिग्री ऑफ दी सारी दिशाओं में हमने काम करा। और केवल हमारा एक ही उद्देश्य है, कस्टमर और क्वालिटी। और इसी चीज़ को हम एक बॉटम लाइन बनाते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सुभाष भाई बताएंगे आपकी फैक्ट्री में किस किस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। ये जो फैक्ट्री एक बहुत ही मॉडर्नाइज फैक्ट्री है, वी आर वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू डेट कि इन इंदौर प्रीमाइसेस वी सेट अप द लार्ज स्केल ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, वेयर हाउसिंग हमने बनाए, होटल्स हमने बनाए। और इसके साथ साथ जो रेगुलर सेगमेंट होता है कि कुछ प्रोडक्ट हट के करना है, जैसे कि अभी हमने सिमचर में वाटर पार्क बना के दे रहे हैं, जो कि पूरी बिल्डिंग पूरा ब्रिज
केवल एक लिमिटेड कॉलम्स के ऊपर स्टैंडिंग किया हुआ है, थोड़ा अपने आप में एक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा नमूना है। इसके साथ साथ हम इंडस्ट्री को एक नया आयाम पे लेके जा रहे हैं। नए आयाम में ये है कि जो इंदौर अभी तक नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं था, हम उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जैसे कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जो समय सिविल में जिस बिल्डिंग को बनाने में 2 साल लगते हैं, वो पीवी में और इंजीनियरिंग बिल्डिंग में वही चीज़ 6 महीने में बन जाएगी। उससे क्या होगा, उससे इंदौर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया गति मिलेगी, उससे प्रोडक्ट बन ज़्यादा निकलेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेंगे तो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। कितने लोगों का स्टाफ है और आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और आने वाले समय में साहिल भाई अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं हमेशा से ही जो एक लेबर होता है और उसके साथ में मैं उसको अपना साथी मानता हूँ, क्योंकि विदाउट लेबर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। हर इंडस्ट्री जो नीव होती है वो लेबर है, बट हमने यहाँ पर लेबर को विज्ञान के साथ जोड़ दिया है। साइंस और आपका हार्डवर्क दोनों के साथ जो मिक्स करके जो आउटपुट निकलता है, दैट्स कॉल्ड एज इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम लोग मेहनत और विज्ञान दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट द इन फैक्ट्री के अंदर करीब 150 लोग्स को रोज़गार दिया हुआ है, और इनडायरेक्टली हम लोग कम से कम 300 से 400 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं इनडायरेक्टली। आने वाले समय में इसी स्केल से हम ग्रोथ अगर करेंगे तो अगले 3 से 4 साल में ये इंडस्ट्री कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को रोजगार लोगों डायरेक्टली इनडायरेक्टली देगी, रोजगार देगी। सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।